छल लोक में धमाके कैसे हो रहे हैं? और इन धमाकों की आवाज तो कैद खाने की दिशा से आ रही है। कहीं बालवीर ने इस पर हमला करने की हिम्मत तो नहीं की? मैं अभी पता लगाती हूँ। तौबा तौबा गोबा गोबा, बेहोश पड़े। जरूर बालवीर ने इन्हें बेहोश किया होगा। बालवीर, 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 बालवीर! चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा छल परी। मैंने जैसा कहा था कि मैं परियों को आजाद कराकर ले जाऊंगा, वैसा मैंने करके दिखाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनहरे ताले के होते हुए तुम परियों को आजाद नहीं कर सकते। आत्मविश्वास होना अच्छी बात है छल परी, लेकिन अति आत्मविश्वास खतरनाक भी हो सकता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद पीछे मुड़ के देख लो। देखा छल परी, कैसे मैंने बिना इस सुनहरे ताले को खोले परियों को आजाद करा लिया, और अब मैं इन्हें लेकर परी लोग जा रहा हूं। बट बाइक है रथ उड़ा। असंभव, असंभव है ये। जरूर बालवीर मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है, खेल खेल रहा है, लेकिन इसका पता भी मैं लगा के रहूंगी, लगा के रहूंगी। छा जाए बुराई का अंधेरा काला, खुल जाए सुनहरा ताला। तो सचमुच परियां नहीं है, मतलब बालवीर ने सचमुच परियों को आजाद करा लिया। बालवीर! हमारी योजना सफल हो रही है। मैं बालवीर को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। नहीं, वो परियों को परी लोग नहीं ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा। छल परी हमारे पीछे आ रही और हमारी योजना सफल हो गई, और आगे की योजना के मुताबिक मैं अदृश्य हो रहा। मेरे अदृश्य होते ही तुम बनाया हुआ पुतला मेरी जगह पर रख देना, ठीक है? और तुम अपना भी ख्याल रखना। है ठीक बालवीर, तुम जाओ। बालवीर, हमारी योजना सफल हो गई। अब चलो परियों को आजाद कराते हैं। चलिए। बढ़ाना नहीं, अपना एक भी कदम आगे, क्योंकि है आगे अब हम दोनों को होश। ठीक है, मैं अभी तुम दोनों के होश ठिकाने लगा देती हूँ। मामूली डंडा। मामूली डंडा? क्यों अच्छा नहीं कर रही हो तुम बैठकर परी? हाँ, देख लूंगा तुम्हें। अरे कहाँ मारा इस बंदे ने? हाँ, क्या ये डंडा फिर से? नटखट परी,
आपने तो सच बुझिंग के होश उड़ा दिए और तुमने छल परी के बालवीर। ये लीजिए नटखट परी, सुनहरा ताला। इस सुनहरे ताले को यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप इसे परी लोक ले जाइए और मैं यहाँ परियों को लेकर आता। हाँ बाल। अरे आ गई है छल परी रथ के काफी पास और छल लोक से काफी दूर। एक यही समय मेरे सफेद मोती खाके यहाँ से परी लोक जाने का। गया कहाँ है मोती? गया कहाँ है सफेद मोती? अरे है आ रही है छल परी रथ के काफी पास, करूँ क्या मैं? छल 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 के वार से कोई नहीं बच सकता, जो छल से टकराएगा उसका यही हाल होगा। देखा बालवीर कैसे मैंने तुम्हारा और तुम्हारी प्रिय परियों का अंत कर दिया। बल्कि उनके पुतले हैं। इसका मतलब बालवीर ने मेरे साथ छल किया है, छल के साथ छल। बालवीर और परियों को इसकी कड़ी सजा दूंगी मैं। बालवीर, परियों आप सब ठीक तो है ना? हाँ बालवीर, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। बालवीर, हमें आप पर पूरा विश्वास था कि आप हमें जरूर आजाद करवाओगे, क्योंकि बुराई के छल से अच्छाई का बल हमेशा दो कदम आगे रहता है। परियों, छल परी यहाँ किसी भी वक्त आती ही होगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द परी लोग जाना चाहिए। हाँ बात। हाँ छल परी तो यहाँ वापस आ गई। अच्छा हुआ छल परी कि तुम खुद यहाँ वापस आ गई, और वैसे भी मेरा तुम्हें सजा दिए बिना जाने का मन नहीं कर रहा था। हो जाए छल परी की हालत ऐसी की तैसी, आ जाए एक लंबी सी रस्सी। अब इस रस्सी से बच के दिखाओ छल परी। बुराई की रानी छल परी है ये मेरी छोटी है, नहीं आपका जादू तो छोड़िए इसे। आप लोग कहाँ हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये अंकल की अंधे राजा इधर दिखाई दिए। अब अगर आपने हमारे ताऊजी के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बॉस हैं। आप जिन्हें अनपढ़ गवार देहाती कह रहे हैं ना, वो हमारे बुजुर्ग हैं, अतिथि हैं, और अतिथि के सम्मान की रक्षा करना हमारा फर्ज है। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूं। कल से मेरी ऑफिस में कदम तक नहीं रखना।
ये लो तुम्हारी नौकरी। यार 420, मैंने ताऊजी बनके इन लोगों को कितना परेशान किया, फिर भी इन्होंने दिल से मेरी सेवा की, हम लोगों को इतनी इज्जत दी, यहां तक कि हमारे लिए झगड़ा भी किया है इन्होंने, और हम इन लोगों के साथ ही ऐसा बुरा कर रहे हैं। नहीं 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 यार, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिंदगी में पहली बार किसी ने अपना समझ के इतना प्यार दिया है, और इसलिए आज पहली बार मेरे दिल में भी इनके लिए प्यार जाग गया है। वृद्धाश्रम खाली पड़ा है। ए, ताऊ जी कहाँ है? बहुत टाइम से दिखे नहीं। अरे नहीं नहीं बापू जी, उन्हें प्लीज मत याद करिए, वो हम लोगों से बहुत काम कराते हैं। अच्छा, थक गया। रॉकी फोन उठा। बापू जी मुझे दर्द हो रहा है ना। ए महेश फोन उठा। बापू जी ये रॉकी यहाँ बैठा है फिर भी फोन उठाने के लिए आपने मुझे बुलाया। हेलो हाँ माँ। बापू जी माँ का फोन है। स्मिता बच्चों माँ का फोन है। हाँ माँ कैसी हो तुम? दर्शन हो गए मस्ता? अरे हाँ हम लोग सब ठीक है माँ। क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। हाँ कस्तूरी तुम यहाँ नहीं हो लेकिन तुम्हारे महके वाले हमारे पास सेवा करवा रहे। अरे कौन क्या हो तुम्हारे मदले ताऊ जी है क्या? एक मिनट फोन रखो मैं बाद में फोन करता हूँ। तुम क्या क्या हुआ बापूजी? मुझे भी बात करनी थी। अरे शांति शांति। बापूजी क्या हुआ था? सब ठीक है ना? कस्तूरी कह रही थी कि उसका कोई ताऊजी ही नहीं है। क्या? इसका मतलब ये है कि जो अंदर है वो ताऊजी नहीं है? फिर वो है कौन? मुड़े मुड़े मामा जी होंगे। मामा जी महेश। सॉरी। ये क्या है माँ? ये बैग मुझे पैसेज में सिटिंग के नीचे मिला। खोलो 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 जरा देखो क्या है। ये तो महेश तेरा पर्स है ना? हाँ बच्चों की फीस। अरे दादाजी आपकी घड़ी। हाँ अरे ये सब तो वही सारी चीजें जो ढोकले ने खा ली थी। अरे यहाँ कैसे आई? ये तो वही सेवर जो अलमारी में पड़े थे। हाँ मतलब ये ताऊजी ताऊजी नहीं है चोर है। यार आज अगर हमने ये चोरी की ना तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि जो बैग हमने सोफे के नीचे छुपाया है वो अभी इसी वक्त जाके मैं उन लोगों को दे दूंगा, फिर भले ही वो मुझे पुलिस के हवाले कर दे मुझे दुख नहीं होगा। एक काम कर महेश। हाँ पुलिस को फोन कर। बापू जी पुलिस के आने का इंतजार नहीं कर सकते हम, हमें सबसे पहले इन दोनों से निपटना पड़ेगा। काम करता हूँ। हाँ। मैं है ना ताऊजी से निपटता हूँ। हाँ। आप लोग कुत्ते से निपटना। बापूजी आप हमेशा खतरनाक काम हमें देते हैं। अरे बेटा मैं जानवरों पे हाथ नहीं उठाता। वो तो हम भी नहीं उठाते। हाँ हम भी जानवरों पे हाथ नहीं उठाते लेकिन अब हम झाड़ू डंडा बेलन और बैट उठाएंगे। हाँ 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 तो जाओ तुम तीनों जाके ये सारी चीजें लेके आओ। जाओ जाओ ताऊ जी जरा बाहर आना। एक मिनट अरे ये ताऊ जी नहीं है। तो ताऊ जी कहाँ है? ढोकले ने ताऊ जी को खा लिया। अरे ए, ऐसे कैसे हो सकता है? वो दरअसल मैं ही ताऊ जी हूँ। मैं ही ताऊजी बन के आप सबको तंग कर रहा था। और हमें पता है तू ही चोर है। और चोर के साथ साथ बहरूपिये भी। और हमें पता है तू ही चोर है। और चोर के साथ साथ बहरूपिये भी। चलो अच्छा हुआ वरना
मैं तो खुद ही आप लोगों को ये बात बताने आ रहा था। पकड़े जाने पर हर कोई यही कहता है, क्यों माना? हाँ। ले, तुमने मुझे कब पकड़ा? देखो हम लोग तुम्हारी किसी भी बात में आने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि मैं आप लोगों का विश्वास खो चुका हूँ, लेकिन सच यही है कि मैं आप लोगों का प्यार नहीं खोना चाहता। इससे पहले मैंने इस तरह से बहुत सारी चोरियां की है, लेकिन कभी भी मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा। लेकिन आप सब से मिलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। आप सबका प्यार देख के मुझे लगा कि मैं वाकई में बहुत बुरा हूं, और अगर मैं सबसे बुरा काम करूंगा तो वो होगा आप लोगों का विश्वास तोड़ना, और मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। बापूजी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, पर इसलिए मैं अपनी हर एक गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। ये जो तेरे आंसू है ना, वो सच कह रहे हैं, और उससे पता चलता है कि तू अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। मेरा मन भी कहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं, पर तुझे अगर तेरी गलतियों की सजा नहीं मिलेगी तो वो भी सही नहीं है। तू गलतियों की सजा पा लेगा ना तो तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तो तेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। जा बेटा, हमने तुझे माफ किया। हाँ, माफ किया। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। महेश बेटा, पुलिस को फोन लगाओ। लेकिन बापूजी, उससे पहले, अरे भाई मुझे मेरी नौकरी तो वापस दो। नौकरी? हाँ? अरे अरे मतलब मेरी अंगूठी तो वापस दो, जिससे मैं मेरी नौकरी वापस लूंगा। हाँ। ये लीजिए, आपकी नौकरी, प्रमोशन और बोनस सब कुछ। ये मेरी डॉलर्स पक्की। हाँ, और मेरा वीडियो गेम भी पक्का। ये और मेरी साड़ी पक्की, मेरा चश्मा। ये माँ। हमें कैद से आजाद करने के लिए शुक्रिया बालवीर। अरे अब मेरा शुक्रिया मत कीजिए। अगर आप सबको शुक्रिया अदा करना है तो रखट परी और मेरे मित्र डुबा डुबा एक का कीजिए, क्योंकि इनके साथ के बिना मेरी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। शुक्रिया रखट परी, शुक्रिया डुबा डुबा एक। नहीं परियों, हमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की रक्षा करना, ये तो हमारा फर्ज है, है ना बाल परी? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सोचा था इस बार मुझे मेरी शक्तियां मिल जाएंगी, लेकिन बालवीर ने भी ना सारा खेल खराब कर दिया। नाराज परी, आपने कुछ कहा? नहीं तो तुमने कुछ सुना क्या बालवीर? चलिए बाल परी, अब जल्दी से सुनहरे ताले को परीलोक के द्वार पे लगा देते हैं। नहीं, क्यों बाल परी? सुनहरा ताला तो हम परीलोक की सुरक्षा के लिए ही लाए थे ना। हम मानते हैं कि ये सुनहरा ताला हमारे परीलोक की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर ये किसी दुश्मन के हाथों लग जाए तो हमारे लिए बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। इसलिए हमने तय किया है कि अब हम इस सुनहरे ताले को नष्ट कर देंगे। माँ बिल्कुल सही कह रही है, हमें इस सुनहरे ताले को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि छल परी को इसके बारे में पता चल चुका है। We'll be right back.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.